नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। किसी भी गांव के विकास में ग्राम प्रधान बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। उन पर सरकारी योजनाओं को धरातल पर अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इन्हीं ग्राम प्रधानों की भी कई परेशानियां होती हैं जिन्हें दूर करने में या सरकार के सामने रखने में प्रधान संगठन अहम भूमिका निभाता है। आज हम बात करेंगे प्रतापगढ़ जिले के प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष नवीन कुमार सिंह जी से, जिनको वहां के लोग पिंटू सिंह के नाम से भी जानते हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। धन्यवाद नवीन जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ग्रामीणों की समस्याएं होती हैं, प्रधानों की समस्याएं भी होती हैं। प्रधानों की समस्याओं को आप किस तरह से उनका निराकरण करते हैं, किस तरह से उनको सरकार के सामने रखते हैं और किस तरह से आप एक पुल की भूमिका निभाते हैं अधिकारियों के बीच में और प्रधान के बीच में? देखिए, ऐसा है कि समय समय पर हमारा प्रधानों की, जो ग्राम पंचायतों की, पंचायत प्रतिनिधियों की स्थानीय स्तर पर समस्याएं होती हैं, वो समस्याएं किसी एक प्रधान की नहीं होती। कह लीजिए कि कोई भी शासन आदेश, कोई भी योजना चलती है तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए चलती है, तो उससे कहीं ना कहीं सभी लोग प्रभावित होते हैं। तो उसका संज्ञान हमारा संगठन लेता है, संगठन के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी लेते हैं, जिला स्तर के, मंडल स्तर के। तो समय समय पर इसके लिए जो है हम लोग गवर्नमेंट से जद्दोजहद करते हैं, धरना प्रदर्शन ज्ञापन के माध्यम से। अभी बीते 28 अगस्त को भी हमारे संगठन ने चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश श्रीमान मनोज सिंह के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों से जुड़े हुए तमाम विभाग के प्रमुख सचिवों के साथ एक समन्वय बैठक हुई, जिसमें 38 सूत्री मांगे हमारे संगठन ने उनको सौंपी और जिस पर मोटा मोटी 38 मांगों पर एक सामंजस्य बना, जिसमें से मतलब जो है हम ये बताना चाहेंगे कि छोटी ग्राम पंचायतों को जैसे बहुत सी योजनाएं चल रही है, मगर ग्राम पंचायतें छोटी हैं तो उनको उतना बजट नहीं हो पाता कि वो एक गवर्नमेंट की वो जो योजनाएं दी जा रही है उनका इंप्लीमेंट कर सके। तो ऐसी स्थिति में पूरे प्रदेश में फिल्टर किया जाए तो लगभग 12,000 से 13,000 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनका बजट उनके वार्षिक कार्य योजना के बराबर नहीं हो रहा है, तो उनको बजट बढ़ाने की सहमति बनी। और सफाई कर्मियों की तैनाती के विषय में बात किया गया, गौशाला के भुगतान जो समय से नहीं होते, पंचायतें गौशाला संचालन करा रही हैं आवारा पशुओं का, उनके समय से भुगतान नहीं होते, दो दो तीन तीन जो है महीने बीत जाते हैं उस पर जो है गौशाला संचालन पर जो है बात हुई, उस पर भी सरकार से सहमति बनी। सबसे बड़ी समस्या हमारी है मनरेगा योजना। मनरेगा योजना में हमारे पूरे प्रदेश के प्रधान 2022-2023 का कराया गए काम के पक्के कार्यों का भुगतान, सीसी इंटरलॉकिंग, खंजार नाली इत्यादि का भुगतान का आज तक प्रोसेस पूरा नहीं कर सका है सरकार। भुगतान हमें नहीं मिला है, हमारे प्रधानों को नहीं मिला है, ग्राम पंचायतों को नहीं मिला है। यह सबसे बड़ी विसंगति थी और प्रधान इसको लेकर के कहीं ना कहीं कर्ज की स्थिति में आ गए थे, क्योंकि जो वेंडर थे, जो सप्लायर थे, उनकी भी एक सहनशीलता होती है, सीमा होती है, भाई 1 साल 6 महीने 8 महीने उधार देंगे, उसके बाद वे तक आधा करने लगे, यहाँ तक लीगल नोटिस भी आने लगी। अब हम लोग संगठन के माध्यम से उसको दिया है और सरकार ने कहा है कि बहुत जल्दी बजट रिलीज करेंगे, तो इस तरीके से हम लोग पंचायतों की या प्रधानों की समस्याओं को सरकार के सामने संगठन के माध्यम से रखे। अच्छा, प्रधान संगठनों के द्वारा प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन से बातचीत को लेकर के अब क्या कुछ सुधार किए गए हैं, इसको लेकर के भी आप विस्तार से जानकारी दीजिए। प्रधान संगठन की मांग में जैसे ये था कि ग्राम निधि केंद्रीय वित्त का काम कराए के जाने के 10 दिन के अंदर एमडी करके संपूर्ण भुगतान कर दिया जाना चाहिए। दूसरी चीज, प्रधानों की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अगर प्रधान के खिलाफ शिकायत कोई आदमी, आम आदमी, कोई भी आदमी करता है तो 10 रुपए के शपथ पत्र पर करे, नोटियल शपथ पत्र पर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ शिकायत करे, और शिकायत फर्जी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए। प्रधानों का हरेसमेंट बंद होना चाहिए, फर्जी शिकायतें स्थानीय कानूनी चुनावी खुन्नस से जीती जाएगी। शिकायतें अगर सिद्ध नहीं पाई जाती, शिकायतें अगर सही नहीं पाई जाती, तो एफिडेविट के आधार पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि गौशाला को लेकर के और मनरेगा को लेकर के हम लोगों ने जिस तरीके से मतलब जो है
मुद्दे रखे थे वो बहुत ही ग्राम जीरो पर मतलब जो पंचायत है उससे बहुत आहत है, उसको लेकर के रखा था। एक हमारा विचार था कि जैसे पहले हम लोग गांव में मत्स्य पालन है तो तालाब का पट्टा ग्राम पंचायत करती, बीच में सरकार ने वो अधिकार हमारे ले लिए और नीलामी के आधार पर तहसील में उप जिलाधिकारी लगे। इस समय माननीय प्रभु सचिव जी से बातचीत हुई, उन्होंने भी अधिकार पंचायतों को देंगे और उससे होने वाली आय भी 70% आय पंचायतों को मिलेगी, उससे जो टैक्स निकलेगा और तालाब पट्टा का अधिकार भी ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा। सचिवों की चूंकि एक सचिव के पास 10 से 15 ग्राम पंचायतें होती हैं तो 10 से 15 ग्राम पंचायतों में प्रतिदिन सचिव नहीं पहुंच पाता, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने निवेदन किया कम से कम एक दिन ग्राम पंचायत सचिवालय पर सचिव का होना अनिवार्य किया जाए। तो इस तरीके से हमारे सभी मुद्दों पर 38 मुद्दे पर 28 विभागों के 38 बिंदुओं पर सहमति बनी, जिसमें हमारे संगठन को 100% लिखित रूप से या प्रभु सचिव उत्तर प्रदेश शासन मनोज कुमार सिंह ने संतुष्टि दी है, सहमति दी है कि हम इस पर बहुत जल्द अमल करेंगे और प्रधानों का प्रोटोकॉल देंगे, प्रधानों को प्रोटोकॉल देंगे जिला योजना समिति की जो बनाई जाती है डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, उसमें विधायक सांसद वगैरह रहते हैं, उसमें भी दो मनोनीत प्रधान को पदेन सदस्य बनाया जाएगा। और यह भी सुनिश्चित एक बिंदु के लिए किया गया कि जनपद वार महीने में संपूर्ण जनपद के सभी अधिकारी विभागीय अधिकारी और जिला अधिकारी के नेतृत्व में प्रधानों की एक जिला स्तर कार्यकारिणी की बैठक होनी चाहिए ताकि कम्युनिकेशन बना रहे, प्रधानों को कहाँ समस्या हो रही है जिला अधिकारी महोदय के सामने सभी विभागीय अधिकारी किस योजना में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, कहाँ अधिकारी कर रहे हैं, इन सब चीजों की बात को जान करके उसको स्थानीय स्तर पर ही पलटा दिया जाए। बिल्कुल, कम्युनिकेशन होना बेहद जरूरी है, तभी जो है समस्याओं का पता चल पाएगा। आपसे प्रधानों की सुरक्षा और प्रोटोकॉल को लेकर के भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ जिले की ग्राम पंचायतों की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा ग्राम प्रधानों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मनरेगा का जिक्र आपने किया, तमाम योजनाओं का जिक्र आपने किया, लंबित भुगतान को लेकर के आपने जिक्र किया, और वो कौन कौन सी बड़ी परेशानियां हैं जिससे जो ग्राम प्रधान है उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। ये ऐसा है कि मनरेगा योजना है आवारा छुट्टा जानवर, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए, क्योंकि हमने जो है जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला सरकार के द्वारा स्थापित कराई गई है पंचायतों का उसका जिम्मेवारी है, उसका रख रखाव किया जा रहा है, परंतु तीन तीन चार चार महीने पांच पांच महीने बीत जाते हैं, उनके पालन पोषण का जो भत्ता आता है 50 रुपए प्रति गाय आता है वह नहीं मिल पाता फंड समय से, तो जिसमें उसमें उनके रख रखाव में दिक्कतें आने लगती है, बीच होकर सप्लायर जो है दिक्कत करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें चाहते हैं कि उसको नियमित किया जाए, मंथ खत्म होते ही उसको हमें भुगतान हमारे अकाउंट पे दिया जाए, क्योंकि अब डीबीटी के माध्यम से भुगतान होते हैं तो उसको देने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऑनलाइन सारी चीजें होती हैं, दो महीने तीन महीने रोक लेने से सरकार को बहुत ज्यादा बेनिफिट उससे नहीं होता, और सरकार की बात नहीं, वहां जो बैठे में जो अधिकारी होते हैं विभागीय अधिकारी वो सारी लापरवाही करते हैं। तो एक चीज निकल कर सामने आती है कि भुगतान की बात कही जाती है, आश्वासन मिलते हैं, लेकिन भुगतान में देरी होती है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, अभी आप भी लगातार बातचीत कर रहे हैं अधिकारियों के साथ में, आश्वासन भुगतान भी हो रहा है। आश्वासन की बात ये करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 1200 करोड़ रुपए अभी की दिन 10 डेज पीछे जारी किया और उसमें राज्यांश मिलाया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट अपना शेयर मिलाएगी तो लगभग 1400-1400 करोड़ रुपए हो जाएगा, 1400 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की पुरानी लाइबिलिटीज को ओल्ड लाइबिलिटीज को खत्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। और सबसे बड़ा मुद्दा इस बात का है कि ओल्ड लाइबिलिटीज जो MIS होकर के फ्रीड हो गई है ऑनलाइन, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के जो ग्राम विकास के अधिकारी कर्मचारी ब्लॉक स्तर पर BDO DC मनरेगा वगैरह है, उन्होंने 2022-2023 के भुगतान आदेश को ही नहीं बनाया, प्रधान काम करके पत्रावली लेने के कह रहे हैं। अभी हमारे 2022-2023 की बहुत से FTO बनने से हैं, 2024 तक FTO आज तक अभी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हुआ 2024 का, आज सितंबर खत्म होने को आया, अभी तक वित्तीय वर्ष 2024 का तो FTO बनना शुरू ही नहीं हुआ,
ये आलम है। और आज की डेट में शासन ने 65 करोड़ रुपए 58,000 ग्राम पंचायतों को 65 करोड़ रुपए जारी किए हैं सामग्री मद में भुगतान करने के लिए। आज दिन में 12 बजे 26 तारीख को जारी किया था 65 करोड़ रुपए, जबकि 65 करोड़ रुपए एक जनपद की उधारी, एक जनपद की आप 58,000 ब्लॉक 65 करोड़ रुपए दे रहे हैं, या कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाने का काम है। पहले तो आप 65 तारीख कि पूरी जितनी ओल्ड लाइबिलिटीज है उनकी MIS कराई जाए, ताकि शासन प्रशासन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को यह पता लग सके कि वास्तव में बकाया कितना। तो जो राशि है वो बहुत बड़ी है और इसका भुगतान अब कब तक होगा ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, प्रधान संगठन की ओर से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जो ये भुगतान है वो जल्द से जल्द हो सके? अब समय समय पर हम लोग जो है धरना प्रदर्शन के माध्यम से, ज्ञापनों के माध्यम से हम लोग आवाज उठाते रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से लिखा पढ़ी करते हैं, ग्रामीण विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से मेल के जरिए, ज्ञापन के जरिए, रजिस्टर डाक रहता है। अभी 28 तारीख को जो चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक हुई थी मनोज सिंह के साथ, उसमें भी मुद्दे को गहराई से रखा गया था। अब यही तो कह रहे हैं कि मतलब 65 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिया, 65 करोड़ रुपए, और वे ये भी लगा दिया उसमें फंडा, कीमत का एसटीओ का ही भुगतान होगा। अगर 1,01,000 रुपए का एसटीओ है तो उसका भुगतान नहीं होगा, तो जिससे यह सवाल पैदा हो गया कि जहां मेरी गृह ब्लॉक थी वहां पर एक भी एसटीओ ऐसे नहीं थे जो 1,00,000 से कम के रहे हो। ऐसी स्थिति में बहुत सी ब्लॉकें ऐसी हैं जहां भुगतान हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा बाउंडेशन उन्होंने लगा दिया है। अच्छा नवीन जी, मनरेगा योजना को लेकर के मैंने आपसे बात की, इसके अलावा जो बेहद अहम मुद्दा है वो है प्रधानों की सुरक्षा। किस तरह से बातचीत आगे बढ़ रही है सरकार से, क्योंकि हमने देखा है कि वकील लगातार प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हैं, प्रधानों की ओर से किस तरह की मांगे की जा रही हैं और उसको आप किस तरह से सरकार तक पहुंचा रहे हैं? प्रधानों को लेकर के स्थानीय स्तर पर इनकी बहुत ज्यादा चुनावी रंजिश होती है, और चुनावी रंजिश में ग्राम पंचायतों में पंचायत राजनीति का शिकार पहले प्रधान होते हैं, और बड़े राजनेताओं का भी कोप भाजन का शिकार प्रधान भी होते हैं, और प्रधानों के ऊपर फर्जी मुकदमे लाने जाते हैं। वो 28 अगस्त की मीटिंग में इस बात पर भी रखा गया था कि प्रधानों के ऊपर लिखाए गए मुकदमों की समीक्षा हो, और जिन मुकदमों में संदेह उत्पन्न हो उन मुकदमों को समाप्त किया जाए, सरकार वापस ले, तथा प्रोटोकॉल के माध्यम से एक सम्मानित जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रधानों के खिलाफ मुकदमा लिखे जाने से पहले जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त किए जाने का अनिवार्य किया जाए। अच्छा, छोटी पंचायतों का जिक्र भी आपने किया था कि छोटी पंचायतों के लिए बजट कम होता है जिसकी वजह से योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, उस दिशा में किस तरह के कदम आपके द्वारा उठाए गए हैं और सरकार के द्वारा आपने बताया भी कि बजट को बढ़ा दिया गया है, तो क्या अब जो छोटी पंचायतों की समस्याएं हैं वो दूर होती हुई नजर आ रही हैं? देखिए 28 तारीख की मीटिंग में यह द्वार पर सहमति पूर्ण रूप से बन गई थी कि जनपद प्रदेश स्तर पर 12,000 के लगभग ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनका भी शासन द्वारा निर्धारित किए गए मंथली जो योजनाओं का इम्प्लीमेंट करना है, जितना पैसा खर्च होता है उससे कम उनकी फंड की रिलीज कर रही है सरकार, तो उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार फंड रिलीज करने के लिए प्रोसेस किया जा रहा है, सारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन ग्राम पंचायतों को चिन्हित कर लिया गया है जिनको फंड कम पड़ रहा है, तो उनको फंड अलॉटमेंट करने के लिए आवश्यक कागजी कार्यवाही शासन प्रशासन और पंचायती राज विभाग द्वारा की जा रही है। अच्छा, ग्राम पंचायतों को मजबूत करना बेहद जरूरी है, उसकी उसको लेकर के आपके द्वारा कदम भी लगातार उठाए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो कौन कौन से पहलू हैं, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर सरकार को फोकस करना चाहिए, आपके द्वारा भी वो कौन कौन से पहलू हैं जो सरकार के सामने रखा जा रहे हैं ताकि जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं वो मजबूत हो सकें? हमारा देश, जब ग्राम पंचायतें आगे बढ़ेंगी तो फिर देश का भी विकास होगा, तो आपके द्वारा किस दिशा में ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है? देखिए ऐसा है कि ग्राम पंचायतों के हित के लिए लड़ाई लड़ने वाले जो संगठन होते हैं उनके साथ हम रहना चाहते हैं, जो वास्तव में ग्राम पंचायतों से जुड़ी समस्याओं को जानते हैं, उनके प्रदेश स्तर राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व उनको जानता है, सरकार उनको मान्यता प्रदान करती है। अब बहुत से संगठन ऐसे हैं जो प्रधानों के नाम पर दलाली कर रहे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं, सरकार को प्रधानों की संख्या दिखा करके यहाँ हमारे प्रदेश में एक संगठन चल रहा है जिसको चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह ने बैन कर दिया है, बैन के राष्ट्रीय उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को और क्या कहते हैं उनके
बैन कर दिया, क्योंकि उन्होंने उनके स्थानीय जनपदों से एलआईओ से जांच कराई, डीपीआरओ से जांच कराई, तो पता लगा ये लोग निर्वाचित जनप्रतिनिधि पंचायत प्रतिनिधि है ही नहीं है, इनका पंचायतों से कोई लेना देना नहीं, और सरकार से इनको मान्यता नहीं प्राप्त, अखिल भारतीय प्रधान संगठन को सरकार से मान्यता नहीं प्राप्त है, और 28 तारीख को जो सारे संगठन आमंत्रित किए गए उसमें इनको बैठक कराया गया। ऐसे दलाल टाइप के संगठन और इसके पदाधिकारी प्रधानों के हित की बात न करके अपनी दलाली कर रहे हैं और प्रधानों का नाम खराब करते हैं, तो हम लोग ऐसे संगठनों का बहिष्कार करते हैं, और हमारे जो पदाधिकारी हैं जनपद स्तर पर ब्लॉक स्तर पर वह हमारे प्रधान कर देता है, लखनऊ से और मुरादाबाद से बैठ करके कोई प्रदेश स्तर का पदाधिकारी किसी हमारे जनपद स्तर ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी को नहीं मनोनीत करने का अधिकार है उसको, हम इसको चुनने का अधिकार ब्लॉक स्तर पद स्तर पर प्रधानों को मनोनीत करने या उनको इलेक्ट करने का अधिकार हमारे प्रतापगढ़ जनपद हमारे विकास प्रधानों को निर्वाचित प्रधानों को होना चाहिए। प्रधानों को यह सचेत करते हैं कि जेन्यून एवं रजिस्टर्ड भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों से जुड़े, न कि बनाए गए ट्रस्ट दलाली लोगों के साथ जाकर के अपनी ऊर्जा अपने नाम अपने पद की गरिमा को न घटाए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को, निश्चित रूप से समस्या है उनको लेकर के लगातार काम भी कर रहे हैं, सरकार तक प्रधानों की भी पहुंचा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे जो मनरेगा के लंबी तमाम मुद्दे हों उनको लेकर के सरकार का रुख किस तरह का देखने को मिलता है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, के लिए आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।